चिकन मास्टर, क्या बना रहे? चिकन तंदूरी बना रहा हूँ साहब। जल्दी बना, जल्दी बना। अगर चिकन कच्चा बना है तो मैं तेरा तीखा बोटी कबाब बना दूंगा, समझे? ठीक है साहब, ठीक है। हेलो। हे, क्या बोलती तू? हे, क्या मैं बोलूं? सुन, सुना? अभी का खंडाला। क्या करो? आगे में खंडाला। घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या? ए, आप टिकट? हाँ साहब। जरा बाहर जाके देख, मुन्ना मोबाइल से मिलने कितने बड़े बड़े लोग आए हैं। अभी देखते हैं साहब। हेलो। मुन्ना मोबाइल भाई यही रहते? यस। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। व्हाई नॉट, कम ऑन, फॉलो मी। यस। हेलो, लिंकिंग रोड पर तुम्हारी ज्वेलरी की दुकान है? 16 आने सच, आपको कैसे मालूम? मुन्ना मोबाइल चर्च गेट से लेके बोरीवली तक सब माल पानी वालों के लोचे जेब में लेके घूमता है। आगे बोल, मैटर क्या है? ये लड़की मुझे 50,000 का चूना लगा के चली गई। आप तो जानते हैं मैं पुलिस को भी कंप्लेंट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जानता हूँ, चोर पुलिस के पास कैसे जाएगा? इसीलिए तो आपके पास आया हूँ मोबाइल भाई। इस लड़की की ऐसी धुलाई करो, ऐसी धुलाई करो कि दोबारा अपने एरिया में नहीं दिखे। ये तो छोटा लोचा है। चलो 50,000 में मैटर डन करते हैं। ठीक है मोबाइल भाई, मुझे मंजूर है। ये दो कौड़ी की छोकरी मिलेगी कहाँ? तो चलता हूँ मोबाइल भाई। ए, क्या बोलती थी? ए शाने, तूने अपुन के एरिया में बंसी सेठ को 50,000 का चूना लगा दी? अबे ओ कटपीस, निकल ले पत्ती गली से, मैं तेरे हुल में आने वाली नहीं हूँ। भाई, लोगों का निकल जाता है ऑयल, पुलिस की बंद हो जाती है फाइल। अपुन का नाम है मुन्ना मोबाइल। तू दो कौड़ी की होके मुन्ना मोबाइल से बात कर रही है? अबे अगर तू मोबाइल है ना तो मैं भी पेजर हूँ, जहाँ भी जाएगा ना घंटी बजा दूंगी। चल हवा आने दे। गर्दन काट के रख दूंगा ना तो गोल्डन जुबली की नेकलेस कहाँ से पहनेगी? छोकरी समझ के छोड़ रहा हूँ, दोबारा नजर आई ना तो श्री देवी का पोस्टर बना के दीवार पे चिपका दूंगा। फिर गाएगी, ना जाने कहाँ से आई है, मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ से आई कहाँ से गई। चल निकल यहाँ से। अबे ओ दो टके के, तेरी ये हिम्मत, तू मुझे ऐसे आउट करेगा? तू ऐसे नहीं मानेगी। अरे ये तुमने क्या कर दिया, इसे जान से मार डाला। अरे पुलिस केस हो जाएगा, पुलिस केस। सेठ, तेरे 50,000 के सामने तो कुछ भी नहीं है, ये तो रोज का काम है यार। अरे 50,000 की क्या बात कर रहे हो, ये 1,00,000 रुपए ले लो आप, लेकिन मुझे पुलिस के फंदे से बचा लो। प्लीज मुझे पुलिस के फंदे से बचा लो। तो काम कर, निकल जल्दी निकल, जल्दी निकल। सेठ जी हो गए टोटल लॉस। कमाल है टोमेटो सॉस। लेट्स हैव 50-50 चल। ठीक है डॉक्टर, घबराने की कोई बात नहीं, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? जब से मेरे डैडी किडनैप हुए तब से ये अक्सर बीमार रहने लगी है। तुम्हारे डैडी का किडनैप, ये बात तो मुझे मालूम ही नहीं। तुम तो जानते हो कि डैडी टकसाल में काम करते थे। एक साल पहले जब रात को वो घर लौट रहे थे तो अचानक कुछ गुंडे उन्हें उठा कर ले गए और तब से आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने रिपोर्ट भी लिखाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनके किडनैप का कुछ कारण तो होगा। इसी बात का तो पता लगाने के लिए मैं ऐसे रास्ते पर चल पड़ी ताकि किसी दिन उन बदमाशों से मेरी मुलाकात हो जाए जिन्होंने मेरे डैडी को किडनैप किया।
अब मैं आ गया हूं। तुम्हारे डैडी को ढूंढने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। मैं भी यहां कुछ बदमाशों से निपटने आया हूं। पहले हमें यह पता लगाना होगा कि वो किसकी काइल है। जब तक तू हमारी बात नहीं मानेगा ना, तब तक हम तुझे मार मार के फटा हुआ नोट बना देंगे। हमारी बात मान ले, तू भी सुखी रहेगा और हम भी सुखी रहेंगे, वरना तो यूं ही जिंदगी और मौत के बीच में लटका रहेगा। ना ही हम तुझे चैन से जीने देंगे और ना ही चैन से मरने देंगे। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। अबे ओ देशभक्त, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी ना, तो तुझे मार मार कर जूते का डाई बना देंगे। कोई मोची सीने भी नहीं आएगा, समझे? क्या ये चांदी की बोतल आप ही की दुकान से खरीदी गई है? हाँ, खरीदी तो गई है। किसने खरीदी है जानते हो? अगर जानता भी हूं तो आपको क्यों बताऊं? क्या आप पुलिस हैं? जी हाँ, पुलिस। अगर हमने ये जान लिया कि मुजरिम ने ये बोतल आप ही के यहां से खरीदी है, तो आपका मुंह खुद ब खुद खुल जाएगा। जी, वो हमारे पास एक शंकरा नाम का ग्राहक ऐसी चांदी की बोतल बनाने का ऑर्डर दे गया है। वो आज शाम को अपना ऑर्डर लेने आएगा। अगर वो अपना ऑर्डर लेने आए तो आप आपकी दुकान की लाइट ऑन ऑफ करके हमें सिग्नल देंगे। हम आपके सिग्नल का इंतजार करेंगे। याद रहे, उसको किसी भी तरह का शक नहीं होना चाहिए। आप जैसा कहेंगे वैसे ही करूंगा सर। पुलिस से पंगा कौन लेगा? देखता क्या है, शेरा की इस बोतल में कॉकटेल भर दे। अच्छा शेरा भाई। किसका भाई? अपन को फोकट की रिश्तेदारी पसंद नहीं। सीधे सीधे नाम लेकर बोल। शेरा नाम है अपन का, शेरा। समझ गया साहब। लेकिन लेकिन क्या? आप इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? पिछले मंगलवार को इस लड़की का रेप कर दिया गया, फिर इसे इसकी मां के साथ मार डाला गया। इस चांदी की बोतल वाले और इसके साथियों ने मिलकर ये नीच हरकत की है। बुरा मत मानना साहब। अरे वो बदमाश इस नाजुक लड़की को कैसे छोड़ सकता है? अरे इसकी सुंदरता पर तो किसी की भी नीयत बदल सकती है। मुझे क्यों मारते हो? तेरी क्या बहन लगती है? हाँ। मैं बहन लगती है, समझे? मेरी बोतल तैयार है? हाँ सर। ये लीजिए। क्या बात है, आज ये लाइट जल बुझ क्यों हो रही है? तब वो कुछ कनेक्शन लूज हो गया। अच्छा, एक सुन, इस बोतल की इंक्वायरी करने के लिए कोई पुलिस वाला तो नहीं आया था? नहीं साहब, अगर आता भी तो हम थोड़ी कुछ बताते। अच्छा चल। सेठ जी, क्या ऐसी एक बोतल तुम्हारी दुकान से कोई और खरीद कर गया है? हाँ साहब, अभी एक आदमी यहाँ से ऐसी एक बोतल लेके गया और उसके पीछे पुलिस भी गई। पुलिस?
क्या आप भी पुलिस वाले हैं? अरे नहीं सेठ, नहीं, पुलिस से तो अपन बहुत दूर रहते हैं। सेठ एक बात बताना, जिस आदमी ने ये बोतल खरीदी वो किस तरफ गया? वो उस तरफ गया साहब। थैंक यू। डार्लिंग रुक जाओ। हाय जानेमन, तुम और यहाँ? मैं किसी का पीछा करते हुए यहाँ आया हूँ जो अभी अभी अंदर गया है। जानेमन, ये तो यहाँ हर रोज आता है जुआ खेलने को। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि हो सकता है ऐसी जगहों पर मुझे उन बदमाशों का पता चल जाए जिन्होंने मेरे पिताजी को किडनैप किया है। लेकिन तुम क्यों इसका पीछा कर रहे हो? उसके पीछे आने का भी कोई मकसद है? खैर छोड़ो, तुमसे मिलने के बाद मैं ऐसा सोचता हूँ, क्यों ना हम दोनों मिलकर यहाँ कोई ऐसा तमाशा करें कि कोई हंगामा खड़ा हो जाए। हाँ, ये गेम मेरा है। एक मिनट, मेरे पास भी तीन इक्के हैं और ताश की एक गड्डी में छह इक्के कभी नहीं होते। इसका मतलब है कि तूने बेईमानी की है। मैं यहाँ रोज आता हूँ, बेईमानी मैंने नहीं तूने की है। क्या बोला रे तू? मेरे को बेईमान बोला? शेरा को बेईमान बोलने वाला इस दुनिया में ही नहीं रहता। क्यों मारे जा रहे हो? छोड़ो मुझे, बच गया साला। सब भगवान की कृपा है,